डॉक्टर से अपने टेस्ट कराए। तो ये कोरोना वायरस की वजह से एक सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि लोग पैनिक हो रहे हैं, और पैनिक होने की वजह से जैसे लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया कि 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा, तो देखने में आया कि सारे लोग अचानक मार्केट में निकल आए और ज़रूरत के सामान को ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया, और पैनिक सिचुएशन वो कई दिन तक चल रही है कि बाहर दुकानें बंद है तो फिर हम कहाँ से लाए। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब ऐसा लॉकडाउन वगैरह होता है तो सबसे पहले आप पैनिक मत क्रिएट कीजिए। पैनिक क्रिएट करने से होगा कि लोग ज़्यादा घर से बाहर निकलेंगे। अगर बाहर निकलेंगे और चीज़ों को खरीदना चाहेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट के लिए, इतना सप्लाई वो ला नहीं सकते हैं। तो उतना ही स्टॉक करें जितने की आपको ज़रूरत है, ताकि दूसरे भाई को भी उसमें से मिले। हाँ, अगर आपकी नीयत है कि कुछ लेके गरीबों को देना वगैरह, तो ये एक अलग मसला है, लेकिन आप उतना ही लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। और गवर्नमेंट अगर कोई छूट देती है तो पूरे लोग एक साथ ना निकले बाहर। अगर जाते भी है मॉल्स में, बाज़ार में, दुकानों पे, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि दुकान पे, मॉल्स में, बाज़ार में और असेंशियल कमोडिटीज़ जहाँ मिल रही वहाँ कोरोना वायरस बोलेंगे भाई छुट्टी मैं तुमको नहीं लगूंगा। वहाँ भी सेफ डिस्टेंसेस रखिए कि एक आदमी कस्टमर खड़ा है तो दूसरा उससे कम से कम 3 से 4 फीट दूर खड़ रहे, तीसरा कस्टमर उसके पीछे खड़ रहे, ताकि सेफ डिस्टेंसिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आप परचेस करें। वरना देखा ही जा रहा कि छूट है बोले एक टाइम 10 बजे आप खरीद सकते हैं, तो ऐसा भीड़ भाड़ जा रहा है कि धक्का मुक्की हो रही, मुँह को मुँह लगावा और झगड़े करके ले रहे, फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इस चीज़ का, मतलब हम कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे। लिहाजा अगर लॉकडाउन की सिचुएशन है तो पैनिक मत होजिए, डरिए मत, एहतियात के साथ सामान लाइए। और गवर्नमेंट ने ये चीज़ तय कर ली है कि असेंशियल कमोडिटीज़ बनेंगी भी और सप्लाई भी होंगी, तो उनकी कंपनियां भी चालू है और सप्लाई भी चालू, आराम से ले, वरना क्या हो जाएंगे, भाव भी बढ़ जाएंगे और मार्केटिंग ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गरीब लोगों को खासतौर से हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी तदाबीर बहुत सारी इख्तियार कर रहे हैं। जैसे हमने कुछ दुकानों को हमने देखा कि उन्होंने अपनी दुकान के सामने सर्कल्स मार्क कर दिए 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर, कि अगर लोग आए भी तो उन सर्कल्स में खड़े रहे ताकि डिस्टेंसिंग मेंटेन। बहुत अच्छी बात, ये भी एक बहुत अच्छी तदबीर है जिसको सारे लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोज़ाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए IDs को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।